तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास, आपको स्वागत करता हूँ नो कॉन्फ्यूज सिविल इंजीनियर चैनल में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और पास में तो बेल आइकन को भी दबा लो। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हम लोग ज़्यादातर जानते हैं मेन बार यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करते हैं। तो हमेशा के लिए हम लोग क्वेश्चन आता है कि मेन बार क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि मेन बार क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, ये हो गया एक 2A स्लैब है। तो वो 2A स्लैब का वहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी वहाँ पे दिया है, और ये हो गया हमारा। तो देखो, वहाँ पे पहले देखा है, वहाँ पे प्लान में हम लोग क्या देख रहे हैं वहाँ पे। शटर स्पान में हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या होता है ना, मेन रड होता है ना, मेन बार होता है। और जो लंगर स्पान में हम लोग यूज करते हैं क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया ये वाला, हो गया मेन बार, और ये लंबाई वाला हो गया, वो वाला हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसको ऊपर क्रांक के ऊपर वहाँ पे जो रड जाता है उसको हम लोग एस्टर बार बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जब लोड पड़ता है स्लाब के ऊपर, जब लोड पड़ता है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्लाब के ऊपर लोड पड़ा हुआ है। तो लोड पड़ने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है ना, वहाँ पे टेंसाइल जोन वहाँ पे हो रहा है, ये हो गया हमारा कंप्रेसिव जोन, ये हो गया हमारा क्या ना अंडर एक्सट्रीम फाइबर, ये हो गया हमारा लोअर एक्सट्रीम फाइबर, ये वाला नीचे वाला पर यहाँ पे लोअर एक्सट्रीम फाइबर होता है। तो क्या होता है ना, हम लोग ये वाला जो बार, हम लोग मेन बार जो यूज करते हैं, मेन बार क्यों यूज करते हैं ना, बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मेन बार यूज करते हैं। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं, वहाँ पे कर्नर में, दो साइड कर्नर में हम लोग का क्रांक होता है। तो ये क्रांक क्यों होता है ना, शियर फोर्स जो मैक्सिमम होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, क्रांक बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ मेन बार और फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो वहाँ पे हम लोग एक बार में पढ़ देते हैं, उसके बाद हम लोग आप लोग को बुझा देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है ना, बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड एट द बॉटम ऑफ द स्लैब टू काउंटर रिड्यूस प्रोवाइड इन शटर स्पैन टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस टू काउंटर डेड लोड। हायर डायर बार शुड बी यूज्ड एज मेन बार। बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड इन द टेंशन मेन बार ट्रांसफर इन टू द बीम। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं ना, जो मेन बार होता है वो क्या होता है ना, हमारा बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप्ड होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग मेन बार प्रोवाइड करते हैं। और क्या होता है ना, हमारा हमेशा के लिए मेन बार क्या होता है ना, शटर स्पान में हम लोग यूज करते हैं। और क्या होता है ना, टू रेजिस्ट टेंशन स्ट्रेस, टेंशन स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए होता है डेड लोड, और डेड लोड को भी। और हायर डाया बार शुड बी यूज एज मेन बार, मतलब हम हमेशा के लिए मेन बार में हायर डाया यूज होता है। और बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड इन द टेंशन मेन बार ट्रांसफर इन टू द बीम, मतलब जो मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट जो होता है, जो डेवलप्ड होता है, जो टेंशन मेन बार होता है उसको ट्रांसफर किसको करता है, जब स्पान के ऊपर, जब स्लाब के ऊपर आता है लोड, तो उसको वो किसी को ट्रांसफर करता है ना, बीम को ट्रांसफर करता है। वो बीम को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है ना, हम लोग मेन बार प्रोवाइड करते हैं। मेन बार क्या करता है ना, बीम को लोड ट्रांसफर करता है। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग का आ जाता है क्या ना, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार में क्या होता है ना, प्रोवाइड परपेंडिकुलर टू द मेन बार अंडर लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन। मेन वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इज काउंटर शियर स्ट्रेस, इट रेजिस्ट क्रैक्स अकर इन द स्लैब, इट इज ऑल्सो श्रिंकेज स्ट्रेस ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ड्यूरिंग क्यूरिंग कंक्रीट विल श्रिंकेज। तो हम लोग जानते हैं क्या ना, जो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन बार रहता है वो हमेशा के लंगर स्पान में होता है, और मेन वर्क जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का होता है वो क्या करता है ना, शियर स्ट्रेस जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करते हैं। और क्रैक नहीं होने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार को। और क्या होता है ना, इट इज ऑल्सो श्रिंकेज स्ट्रेस ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट में होता है, और ड्यूरिंग क्यूरिंग कंक्रीट विल बी श्रिंकेज। श्रिंकेज से हम लोग बचने के लिए क्या कहते हैं ना, हम लोग ड्यूरिंग क्यूरिंग कंक्रीट विल बी श्रिंकेज। तो वहां से हमेशा के लिए हम लोग देख सकते हैं कि
फंक्शन ऑफ मेन बार क्या होते हैं और फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होते हैं। तो हम लोग एक नोट लिखा है वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, थिकनेस ऑफ स्लैब इज डेडिकेटेड वेस्टर्न स्पान टू डेथ रेशियो अकॉर्डिंग IS 456:2000। हम लोग का कोड जो है हमेशा के लिए थिकनेस ऑफ स्लैब डेडिकेटेड, डेडिकेटेड होता है किसी के ऊपर ना स्पान टू डेप्थ रेशियो में, वो डेडिकेटेड होता है उसी स्लैब का थिकनेस कितना होगा। और स्लैब का मिनिमम थिकनेस होता है कितना, 125 mm। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब शुड नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। जो मैक्सिमम डायमीटर हम लोग यूज करेंगे स्लैब के, स्लैब में जो यूज करेंगे वो एक्सीड किसी से नहीं होगा ना, 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्या, मिनिमम कवर, स्लैब का मिनिमम कवर क्लियर कवर कितना होता है ना, 20 mm होता है। और मैक्सिमम स्पेसिंग बार शैल नॉट एक्सीड मेन स्टील 3D और 300 mm एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 5D और 450 mm। हम लोग जो मैक्सिमम स्पेसिंग होता है बार शैल नॉट एक्सीड, दोनों बार के अंदर जो स्पेसिंग रहता है वो मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होगा ना 300 mm होगा मेन मेन बार में, और डिस्ट्रीब्यूशन बार में कितना होगा ना 450 mm होगा। मतलब वहाँ पे 3D मेन स्टील में 3D और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में कितना होगा ना 5D होगा। डी का मतलब क्या है ना, डी का मतलब होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है। और मिनिमम स्पेसिंग इज नॉट केप्ड लेस देन 75 mm। मतलब हम लोग का जो मिनिमम स्पेसिंग होता है, मैक्सिमम तो हम लोग जान सकते हैं 300 mm, मतलब मिनिमम स्पेसिंग जो होता है वो कितना होता है ना 75 mm, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए ना, मैक्सिमम 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। और जो हमारा स्लैब का कैलकुलेशन अगला वीडियो में आ जाएगा आप लोग के लिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू ऑल व्यूअर्स। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में थोड़ा बेल आइकन को भी दबा लेना। और वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलता हूँ, जय हिंद।